2023 में कब है संकष्टी चतुर्थी, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री एवं महत्व के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने से वे अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के मुताबिक माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत है वह 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसे अंगारकी चतुर्थी और लंबोदर संकष्टी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि माघ संकष्टी चतुर्थी 2023 का व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत 2023 का मुहूर्त जो है, आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को दोपहर 9:34 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 जनवरी को 11:23 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खुलता है और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम में 8:41 पर है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और पूजा के दौरान श्री गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा और चंदन अर्पित करें तथा मोदक का भोग लगाएं और श्री गणेश जी की स्तुति और मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन फलाहार व्रत करते हुए शाम को चंद्रोदय के पहले पुनः गणेश जी का पूजन करें। चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी की सामग्री जो है पूजन, वह इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी से पहले भगवान गणेश जी की पूजा में प्रयोग होने वाले कुछ खास चीजों का इंतजाम अभी से कर लें। मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, गंगा जल, धूप, दीप, कपूर, दुर्वा, जनेऊ, रौली, कलश, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा, मोदक, फल और लड्डू इत्यादि। संकष्टी गणेश चतुर्थी का महत्व इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ओम गौ गणपते नमः। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।